अगर आपको देखना है दुनिया के तमाम टीवी चैनल तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ एक जबरदस्त डिश की सेटिंग। दोस्तों हो सकता है ये सैटेलाइट आपके लिए नई हो, लेकिन दोस्तों आज हम इस सैटेलाइट को 5 सालों से सेट करते हुए आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से हम आप लोगों को दिखाने के लिए आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त सैटेलाइट। चलिए दोस्तों उस सैटेलाइट का नाम हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे 2 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर बचे हुए हैं जिनका नाम मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अनाउंसमेंट करूंगा। सबसे पहले कमेंट और सबसे पहले लाइक करने वाले 2 लकी भाग्यशाली को मिलेगा दोस्तों डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर, डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर मशीन, जिससे आप डिश को सेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आप लोगों को डिश एंटीना को सेटअप करने का तरीका बताते हैं। दोस्तों यही वो चैनल है जहाँ पर आप लोगों को एक एक एंगल से बारीकी से आपको हर एक डिश की पोजिशन एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ आपको कैलकुलेट करके बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम कुछ ज़रूरी ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारी ये जो डिश लगी हुई है ये एकदम पूरब साइड में है, लेकिन दोस्तों ये एंगल आप लोग समझ जाइएगा ये पूरब है, लेकिन हमें जो अपनी डिश को घुमाना है ये इस साइड में घुमाना है। जब इस साइड में घूमेगी दोस्तों तो हमारे पास कौन सी सैटेलाइट आ जाएगी, थाईकॉम 78.5 डिग्री ईस्ट, जहाँ पे दोस्तों आप लोगों को तमाम मलेशियाई तमाम अदर लैंग्वेज के टीवी चैनल देखने को मिल जाएंगे, और वो चैनल दोस्तों आप सब देखना पसंद करते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुकी है और यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को पूरा डिश का सेटअप करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने अपने LNB से मीटर को जोड़ रखा है, ये मार्केट में छोटा वाला मीटर मिल जाता है, इससे आवाज़ पता चलती है कि हमें कोई सैटेलाइट मिली या नहीं मिली, क्योंकि जब वीक सैटेलाइटों को हमें सेट करना होता है तो इस मीटर का यूज़ ज़रूर होता है। बाकी यहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर है येलो वाला ये लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों आइए हमारी जो डिश लगी है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली है पोजीशन हमारे पास डी डी फेडिस की, और डी डी फेडिस से हमें इधर घुमाना है, यहाँ पे लाना है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये देखिए सिग्नल हमें सिग्नल मिल चुका है, लेकिन सिग्नल बहुत कम है। LNB को दोस्तों ज़रूर हमें इधर उधर घुमा के करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास सिग्नल है दोस्तों ये हमारे पास फ्लैक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे जो सिग्नल है हमारे पास फ्लैक्चुएट कर रहा है 23% एंड 40% के आसपास में हमारे पास सिग्नल आ रहा है। LNB का जो एक्चुअल पॉइंट है यही रहेगा, इससे आपको 19-20 नहीं करना है। फ्रिक्वेंसी आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रही है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम इसके जो चैनल्स हैं इसको हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 23% 40% के आसपास में जो सिग्नल है हमारे मीटर में आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मौसम भी थोड़ा सा आज बड़ा सुहाना है। आप लोग देख सकते हैं इधर बादल है और बादलों की वजह से आवाजाही की वजह से हमें जो सिग्नल है वो बहुत ही वीक मिल रहा है दोस्तों। और सिग्नल जब दोस्तों हमें वीक मिल रहा है तो हमारे पास अभी अंधेरा भी होने वाला है, शाम के टाइम में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास जो सिग्नल क्वालिटी है 23% 40% के आसपास में फ्लैक्चुएट कर रहा है। दोस्तों जब हमारे पास वीक सैटेलाइट होती है, वीक सिग्नल हमें मिलता है, तो दोस्तों हम इस सैटेलाइट फाइंडर का यूज करते हैं। बाकी मीटर हमारे पास डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इस मीटर पे आप लोगों को सिग्नल मैंने पहले ही दिखाया। अभी दोस्तों हम आप लोगों को जो चैनल्स है वो सारे की डिटेल हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों अंधेरा भी एकदम होने वाला है, काले काले बादल आ चुके हैं और एकदम बहुत ही घनघोर बारिश होने वाला एकदम टाइम हो चुका है। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप लोगों को चैनल लिस्ट इस वीडियो में आगे दिखाते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई का यूट्यूब चैनल है, भाई किसी भी न्यूज़ को देता है बड़ा ही ठोक बजा के।